हैं, उन्हीं की बातों से अपनी बातों को हम शुरू करते हैं। सन 2008 में आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में मोहम्मद साहब का नाम आज से 5000 साल पहले से मौजूद है, उनके बारे में बताया गया, इसलिए मुसलमानों से ज्यादा मोहम्मद साहब हिंदुओं को प्रिय होंगे। ये आदरणीय शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का वक्तव्य है जो सन 2008 में उन्होंने दिया। उनके इस वक्तव्य पे अगर हम ध्यान दें तो लगता है कि कल्कि और मोहम्मद कोई दो अलग व्यक्तित्व का नाम नहीं है, ये दोनों एक ही व्यक्तित्व है। पर्यायवाची, जिस तरह से हम आकाश का नभ, ईश्वर का अल्लाह, जल का पानी, विष्णु का रब, कहार का महेश इत्यादि कह सकते हैं, वैसे ही कल्कि को भी हम मोहम्मद कह सकते हैं। ये अवतार और नबी, रसूल, पैगंबर, संदेशवाहक अलग अलग चीजें नहीं है, सिर्फ भ्रमित किया गया है हमको और आपको विश्लेषण करने में, व्याख्या करने में। अवतार सब थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करते चलें कि अवतार होता क्या, अवतार शब्द का ही मतलब क्या है। औ उपसर्ग से बना हुआ है अवतार, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर आना, पृथ्वी पर जन्म लेना। उसमें एक शब्द जुड़ा जिसको हमने गलत व्याख्या किया, ईश्वर का अवतार, यानी ईश्वर स्वयं सशरीर इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए, हमारे मुश्किलों को दूर करने के लिए कार्यभार किया, ये एक गलत व्याख्या हुआ। सब सही है, व्याख्या गलत है। ईश्वर बीच में का अवतार, का एक शब्द जो है अवतार और ईश्वर के बीच में एक संबंध का संबंध कारक है, यानी वो अवतार जो ईश्वर का है, ईश्वर की तरफ से है, जो अवतार ईश्वर की तरफ से आता है, जो पृथ्वी पे आता है, जिसका संबंध सीधा सीधा ईश्वर से होता है, उसे ही ईश्वर का अवतार कहते हैं। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, हर जगह है, और अवतार एक सीमित होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक विचरण करता रहता है, चलता है, यहां की समस्याओं का निवारण करता है, फिर वहां जाता है। और उस असीम सर्वशक्तिमान ईश्वर को अगर हमने सीमित दर्जा दे दिया, कह दिया कि ये अवतार, ईश्वर अवतार लेके मनुष्य के शरीर में आया, तो ये तो ईश्वर से खुल्लम खुल्ला विद्रोह हो गया। उसकी शक्ति को हमने इनकार कर दिया। जब स्वयं उसको आ जाना पड़ा तो फिर सर्वशक्तिमान रही कहां गया, सर्वशक्तिमान नहीं रह गया, हमने उससे विद्रोह किया। उसने अपना प्रतिनिधि भेजा, जो भी प्रतिनिधि आता है ईश्वर का अवतार वही कहलाता है, ना कि स्वयं ईश्वर, वो नहीं आता, वो तो अदृश्य है, दिखता नहीं है, एक शक्ति है, एक रोशनी है। अवतार ईश्वर का आया, क्यों आता है, और ईश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा, हमको बताया कि जब भी मेरा अवतार आएगा इस तरीके से उसको पहचानना, देखना, यही होगा, उसने हमें बताया भी। क्यों अवतार होता है, क्यों एक प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है, क्यों रसूल की जरूरत पड़ती है, क्यों अवतार की जरूरत पड़ती है। जब विश्व में, संसार में, समाज में बुराई का बोलबाला हो जाए, धर्म
धर्म पे अधर्म हावी हो जाए, धर्म से अनभिज्ञ लोगों को धर्म के नाम पे गलत सूचनाएं दी जाएं, चारों तरफ बुराई ही बुराई हो, और सबसे मुख्य बात कि जब एकम ब्रह्म यानी एक ईश्वर के अतिरिक्त और भी कई ईश्वर की उपासना की जाने लग जाए, ऐसे में ही आवश्यकता पड़ती है उस अवतार की, और वो अवतार आता है और इन सब चीजों को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए व्यवस्थित रूप करता है इसको व्यवस्थित। जब रीति रिवाज परंपराओं को हम धर्म मान लेते हैं, उसी को धर्म मान के जब हम अपने अपने कुल का एक अलग अलग ईश्वर पैदा कर लेते हैं, अपने अपने कुल का अलग अलग ईश्वर उसकी उपासना करने लगते हैं, ऐसे में ही आवश्यकता पड़ती है एक अवतार की जो आता है और एक राष्ट्र एक ईश्वर और एक धर्म की शिक्षा देता है और पूरे मानव समाज को और विश्व को एक परिवार की तरह जोड़ के एक परिवार बनाता है। ये हुई अवतार और अवतार के आने की बातें। जब वो अवतार आता है हम पहचानेंगे कैसे? हम इंसान को पहचानने की आवश्यकता है। ईश्वर ने कहा पहचान यही मेरा अवतार है। कोई भी आएगा अपने आप को कहेगा हम ईश्वर के अवतार हैं, हम उसको मान लें। अगर हमने किसी को भी मान लिया तो फिर वही बात होगी कि धर्म के नाम पे अधर्म की बातें करना और लोगों को बरगलाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, और जब ये होने लगता है तभी अवतार आता है। शास्त्रों ने बताया सांकेतिक रूप में कि वो जब कल्की अवतार, कल्की नहीं सब कल्की है, कल्की अवतार जब आएगा तो कैसे क्या क्या निशानियां होंगी उसकी, किस किस तरह से उसको पहचानना, शास्त्रों ने इस पे रोशनी डाला है, प्रकाश डाला है, ताकि हम और आप कभी गड़बड़ ना हो। धीरे धीरे सांकेतिक रूप से बताते 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 हमें वहां तक ले गया जब अस्पष्ट रूप से बता दिया कि हाँ यही व्यक्ति है, धीरे धीरे हमको ले गया। पहली चीज बताया शास्त्र, अश्वरोही होगा वो हमारा कल्की अवतार जो आएगा, अश्वरोही होगा, अश्व घोड़ा, घोड़े पर सवारी करेगा। अब हम देखें कि क्या आने वाला समय ऐसा है जो घोड़े की सवारी करे। जेट विमान सोनिक विमान का समय आ रहा है। श्लोक पढ़ के हम बताते हैं, गरुण पुराण अध्याय 149 कहता है अश्वरूढ़ खिलान लोकान अस्त दाभितान करिष्यत। वो अवतार जब आएगा घोड़े की सवारी करके दुष्टों के साथ युद्ध करेगा और उनका संहार करेगा। जब वो अवतार आएगा भविष्य में आएगा, शंकराचार्य जी कहें कि हमारे शास्त्रों में आज से 5000 साल पहले मोहम्मद का नाम उपस्थित है, फिर भविष्य में आएगा, हम इंतजार कर रहे हैं घोड़े की सवारी करेगा। क्या आने वाला भविष्य घोड़े की सवारी का भविष्य है? बिल्कुल नहीं। हमें वो दौर में उस वक्त में गुजरना, उस वक्त में घुसना पड़ेगा जब घोड़े का वक्त रहा हो। एक पहचान बताया शास्त्र, और भी बताया खड़कधारी होगा, तलवार के साथ युद्ध करेगा वो, सोनिक विमान जेट विमान पे चढ़ के हम एटम बम से युद्ध करेंगे, और जब घोड़े की सवारी करेंगे तो खड़क से ही युद्ध होता है घोड़े की सवारी। दूसरा बताया
भागवत पुराण में कहा है कि जब वो आएगा तो उसके हाथ में खड़क होगा और वो घोड़े की सवारी